बीजेपी में टिकट को लेकर मारामारी हो रही है। एक सीट के लिए कई उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। नेता आलाकमान को अपने लेवल पर मैनेज करने में जुटे हैं। लोकसभा सीट की दावेदारी को लेकर बीजेपी में उम्मीदवारों की फहरिस्त शायद ही पहले कभी इतनी लंबी देखी गई हो। दिल्ली बीजेपी में टिकटों के हालात एक अनार 100 बीमार वाली हो गई है। चुनाव से पहले पार्टी के कराए गए सर्वे में मौजूदा सांसदों की रिपोर्ट बेहद खराब थी। कार्यकर्ताओं से लेकर पार्षदों और मौजूदा विधायकों तक ने आलाकमान के सामने सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल लिया था। कार्यकर्ताओं और विधायकों की नाराजगी को देखते हुए दिल्ली लोकसभा चुनाव के तौर और नियुक्त निर्मला सीतारमण ने भी एक सीट से 3 नाम आलाकमान को भेजे, जिसके बाद से मौजूदा सांसदों को अपने टिकट पर तलवार लटकती नजर आ रही है। इसलिए तलवार की धार से बचने के लिए बड़े नेताओं के पास अपनी पैरवी कर रहे हैं। अब तो दिल्ली को स्पष्ट दिख गया ना कि इन लोगों ने किस तरह से दिल्ली को बरगला के और झूठ बोल के साजिश करके इन लोगों ने अपने कब्जे में रखा। अब 2020 की लड़ाई और 2019 की, देखो 19 की लड़ाई तो इनको पता ही है, 2020 भी चला गया इनका। हम इनके कारण हमारा लिस्ट नहीं रुका था। हमने आपको पहले भी कहा था 5 तारीख तक हम आपको अच्छी सूचना देंगे। हम लोग उस तरफ बढ़े हुए हैं, लेकिन आज मुझे इस बात का बड़ा संतोष हो रहा है कि जो अब तक लुका छिपी खेल रहे थे उनके चेहरे एक्सपोज हो गए। मुझे पूरा पता है अभी मालूम नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन शीला दीक्षित जैसे लोगों का आज दिल अपनी पार्टी से भी टूटा जरूर। तो वहीं दूसरी ओर संभावित नाम वाले उम्मीदवार भी कद्दावर नेताओं के घरों के चक्कर काट रहे हैं। नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ाने का काम तो गोदी मीडिया भी खूब कर रही है। वो गाये बगाए सूत्रों के नाम पर लिस्ट जारी कर नेताओं की नींद उड़ा रही है। जिसका नाम लिस्ट से गायब हो रहा है वही नेता गुस्साए या गोदी मीडिया को कोस रहा है, और जिस संभावित नेता का नाम मीडिया में चल रहा है वो फूले नहीं समा रहा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी तक बीजेपी ने दिल्ली में उम्मीदवारों की कोई लिस्ट जारी नहीं की है। ये बात अलग है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पिछले कई दिनों में संभावित उम्मीदवारों की कई लिस्ट जारी कर चुकी है। दिल्ली से अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।